ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين इतनी तस्वीरें खींचेंगे आप सूरह बकरा आयत नंबर 89 इसके हवाले से जिस उनवान पर गुफ्तगू का सिलसिला गुज़श्ता 4 दिन से जारी था आज बिल्कुल उससे हटकर आयत ही की रोशनी लेकिन 4 दिन की गुफ्तगू से हटकर बड़ी खुश तकरीर करना अलबत्ता एक बात की माजरत मैं आपसे तलब कर लूं और वो ये कि मालूम नहीं क्यों शायद यहां का यानी लाहौर का ये तरीका हो दस्तूर हो हम लोग कराची में इसके आदि हैं नहीं तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी और मैं बहुत सारे मोमिनीन कराम के सामने शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि जिस उनवान पर गुफ्तगू हो रही उससे हटकर इतने मुख्तलिफ सवालात और इतने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर पूछे जा रहे हैं कि मुझ जैसे तालिबे इल्म के लिए तो मोमिनीन कराम के इन सवालात का जवाब देना मुमकिन ही नहीं एक सवाल तफसीर कुरान का है एक सवाल तारीख का है एक सवाल फिका का है एक सवाल कुछ इख्तिलाफी मसाइल का है 60 मिनट की तकरीर आज की रात मजलिस के फौरन बाद मेरी वापसी की परवाज और ये सारे सवाल मसलन मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि सवाल मुझ तक पहुंच गए सवाल इस्लाम में जवाब नहीं दे रहा हूं इस्लाम में म्यूजिक तो हराम है ये बताइए कि इसकी हद क्या है अब ये मुकम्मल तौर पे एक यकी मसला और इतना आसान भी नहीं है कि हाँ या ना में इसका जवाब दिया जाए बहुत तफसील समझाना पड़ेगा खाली तफसील नहीं आजकल हमारी कौम जिस मसले में बहुत ज्यादा मुब्तला है वो भी इसमें आ जाएगा यानी म्यूजिक किस हद तक जायज है इसमें भी मराजे में इख्तिलाफ हमारी कौम पहले ही मर्जियत की मुखालिफ है दुश्मन है बुरा भला कह रही है उसमें और मौका मिलेगा आयतुल्लाह आगा सिस्तानी का फतवा मुख्तलिफ आयतुल्लाह आगा हाफिज बशीर रजफी का फतवा जरा मुख्तलिफ रहबर मुस्लिमीन आयतुल्लाह खामेनाई का फतवा इन दोनों से मुख्तलिफ है
तो अब एक घंटे की मजलिस और उसके अंदर इतने तफसीली सवाल का जवाब। एक बात आइए अब देखें किसी और मोमिन ने क्या सवाल किया। फरमाते हैं सूरह काहफ की आयतों का हवाला जो कल इशारा मैं कर चुका हूं। फरमाते हैं कि ये बताइए कि हजरत ज़ुल्क़रनैन कौन थे, याजूज माजूज की दीवार से क्या मुराद है। पूरा 27 तकारीर पर मुश्तमिल सूरह काहफ का मेरा उनवान और आज की तकरीर के शुरू में पूछ लिया गया। मैं सवाल करने वाले के इल्मी शौक की तारीफ करते हुए अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूं। सवाल नंबर 3, और ये भी देखिए कि सारे सवाल एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। सवाल नंबर 3, किसी आलिम ने यह बताया कि शाम के कैद खाने में जिस बच्ची की कब्र है वो जनाबे सकीना नहीं है और उनकी वालिदा रबाब भी नहीं है, रोशनी डालिए। सवाल नंबर 3, एक ऐसा मसला कि अगर कमी वक्त की वजह से अपनी आवाज की कोताही की वजह से जरा सा एक मशकूक लफ्ज भी मेरी जबान पे आया तो एक नया इशू खड़ा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ। सवाल नंबर 4, किसी ने ये इंकिशाफ किया कि ये वाकया करबला तो अंग्रेजी तारीखों के इतबार से दिसंबर में पेश आया और दिसंबर तो बड़े ठंडक और सर्दी का मौसम होता है। ये तो दुश्मनान अहले बैत की बहुत पुरानी तरकीब, इस किस्म के फुसूल और बेकार किस्म के रिसर्च, इसका खुलासा ये कि करबला के वाकये की शिद्दत को कम से कम करके बयान किया जाए। ये बहुत पुरानी चीज, हमारे उलमा ने बाकायदा ईसाल और हिजरी तारीखों के दरमियान मैचिंग करके साबित किया है ये वाकया जून का है। बगर सवाल ही आया, अब मैं इस पे बाकायदा पूरी रिसर्च आपके सामने करूं। सवाल नंबर 5, अलबत्ता बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं सिर्फ इस बात की माजरत कर रहा हूं कि सारे सवाल काबिल एहतराम, हर सवाल करने वाले इल्मी शौक की मैं दाद देता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी, मुझे खाली अपनी मजबूरी बयान करना थी जिसके लिए मैंने ये 5-6 सवाल पढ़े। हाँ, एक ऐसा सवाल है कि जिसकी वजाहत मैं कर दूं, दुआए उम्मे सलमा मजमे में तकसीम कराने से पहले मुझे दिखाई गई थी और चूंकि बिस्मिल्लाह और दुरूद ये दो जुमले ऐसे हैं कि हम लोग ये ख्याल करते हुए कि इसमें क्या गलती होगी, इसके बाद के जुमले चेक करते हैं, बहरहाल ये ख्याल गलत है। इसके अंदर दुरूद में एक जेरो जबर की गलती हो गई, अल्लाहुम्मा सल्ले छप गया सल्ला, लाम पर जबर छप गया वो जेर, लेकिन क्योंकि मोमिनीन को दुरूद इतना जबानी याद है कि शायद पर्चे से पढ़ के दुरूद की कोशिश कोई नहीं करेगा, फिर भी गलती गलती। एक नजर हमारे मोहतरम तकी जावा साहब, उनको मालूम है ये प्रूफ रीडिंग एक लम्हे के लिए नजर चूकती और इतना बड़ा ब्लंडर जैसा मसाला पैदा हो जाता। तो बहरहाल दुरूद जिस तरह आप पढ़ते हैं उसी तरह पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ला अला नहीं। अच्छा, ये तो 5-6 सवाल ऐसे आए जो इसलिए आपके सामने पढ़ना जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कभी कभार, आज नहीं कभी कभार, मैं मजलिस पढ़ते पढ़ते बहक कर इधर से उधर तो चला जाता हूं
वो किसी सवाल की वजह से होता, मगर ऐसा मैं आमतौर पर शुरू की मजालिस में करता हूं, जो आखिरी मजलिस हो, जिसके बारे में मुझे मालूम हो कि अब जो कुछ बयान करना है इसी में बयान करना है, उसमें मैं हत्तल इम्कान अपने उनवान पर कायम रहता हूं। और ये तो एक ऐसी मजलिस आज मैं पढ़ रहा हूं जो कि अगले साल मेरे पास मोहलत ही नहीं है, मौका ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि मैं लाहौर एक दिन के लिए भी आ सकूं। तो अगर आपसे अर्लीस्ट मुलाकात भी होगी तो 2 साल बाद, जो बातें आज नामुकम्मल रह जाएंगे वो फिर 2 साल तक पूरा होने का कोई मौका नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात आज रह जाए। चुनांचे अब मैं बराह रास्त 4 दिन के उनवान को थोड़ा सा बढ़ाकर इसके असल पैगाम पर आ रहा हूं, और वो ये कि कुरान करीम की जिस आयत को हमने 4 दिन से उनवान बनाया है उसका खुलासा एक जुमला, और एक ऐसा जुमला जो तारीख में बार बार हमारे सामने खुल के आया, मगर 2 बड़ी मिसालें इसकी देना पड़ेंगी, 2 नहीं सैकड़ों मिसालें, मगर 2 बड़ी मिसालें इसकी देना पड़ेंगी। कुरान कह रहा कि बाज लोगों का ये मिजाज होता कि पहले वो दुआ करते हैं, हुज्जत खुदा का इंतजार करते हैं, हुज्जत खुदा के लिए तड़पते हैं, और जब हुज्जत खुदा आ जाती है तो यही इंतजार करने वाले, यही दुआ करने वाले, यही तड़पने वाले उसके बदतरीन दुश्मन बन जाते हैं। तारीख गवाही दे रही कि हर दौर में यह हुआ, मगर 2 बड़ी मिसालें, अल्लाह का रसूल जिस अंदाज से पैगंबर से पहले के यहूदी अल्लाह के रसूल के लिए तड़पे, हम और आप तो अपने इमाम का क्या इंतजार करेंगे जो यहूदियों ने रसूल खुदा का इंतजार किया। सदियों नस्लों पुश्तों पैगंबर के इंतजार में यहूदी दिनों रात गुजार रहे हैं, दुआ नहीं, दुआ तो हम भी मांगते हैं, आमली तैयारी। कौम यहूदी जिसके पास दौलत ज्यादा हो गई, ये बात हो रही है रसूल खुदा से पहले के मुखलिस यहूदियों की, सारे यहूदी बुरे नहीं गुजरे तारीख में, मुखैरक भी तो पैगंबर के जमाने का एक यहूदी था, एक नमाज पढ़े बगैर जन्नत में गया, कितनी बड़ी उसने कुर्बानी दी। ये हम दौरान हज और उमरा अतराब में मदीना की जियारत में बताते हैं, जब मुखैरक के बागात दिखाए जाते हैं, ये देखो बाग सलमान मुखैरक की जमीन पर, ये देखो मारिया कब्तिया की कब्र मुखैरक की जमीन पर, ये देखो मस्जिद फजी मुखैरक की जमीन पर, ये देखो यहूदी दुल्हन का वाकया जो मौजदे की शक्ल में हमारे यहाँ कहानी पढ़ी जाती है मुखैरक की जमीन पर, उस वक्त उसका वाकया बयान करता हूं। आज तो खाली एक इशारा आ गया, मुखलिस सिंसियर यहूदी, हर यहूदी मरते वक्त अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा आखिरी रसूल के लिए वक्फ करके जाता था, दिरहम दीनार करीज गुलाम बागात जमीन। और कौम यहूद में जो भी ऐसा बच्चा नजर आता है जो ताकतवर हो उसे फौरन मुंतकिल कर दिया जाता कि इसे हिफाजत के साथ रखो, बाकायदा फौजी ट्रेनिंग दिलवाओ, ये रसूल खुदा के नाम पे वक्त है, आखिरी नबी आएगा ये उनकी फौज में शामिल होगा। कौम यहूद में जो भी जरा इंटेलिजेंट, एक है जिस्मानी ताकत एक है दिमागी ताकत, उसे पैगंबर के नाम पे वालिदैन वक्फ कर देते, क्या हाँ रसूल खुदा का ऐसा इंतजार कर रहे हैं? हमारा अच्छा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, दीन के रास्ते में नहीं चलेगा, हमारा पैसा वाला अपने पैसे को इमाम जमाना के लिए वक्फ नहीं करेगा, 10 कनाल की कोठी बनाना, जेवरात के इतने सेट बनाना,
بیٹی کی شادی میں جہیز کے نام پر اتنی فضول خرچی کرنا, جو انتظار یہودیوں نے کیا ہم تو اس کا سوا حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. ایک چھوٹا سا جملہ ہے, بہت بڑا, اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. پورا خیبر کا علاقہ یہودی بزرگوں نے رسول خدا کے لیے بنایا تھا. وہ ساری دولت جو آپ نے سنا خیبر کا مال غنیمت, خیبر کا مال غنیمت, اصل جملہ یہ ہے کہ خیبر کی ساری دولت خیبر والوں کی تھی ہی نہیں, یہ رسول خدا کے نام پر ان کے بزرگ پشتوں پہلے وقف کر کے گئے تھے, جب آخری رسول آئے گا یہ رسول کو دے دے. پیغمبر نے کب خیبر پہ حملہ کیا, خیبر کا مال غنیمت مدینے آیا, یہ حق بحقدار رسید پیغمبر کی دولت تھی, پیغمبر کو ملی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مرحب و انتر اور ان کی ساری فوج رسول خدا کے نام پہ بنائی گئی تھی. ان کے بزرگوں نے کہا تھا ہماری اولاد میں جو طاقتور بچہ پیدا ہو اسے پیغمبر کے نام پہ رکھ دینا, جب آخری رسول آئے وہ پیغمبر کے پرچم تلے پیغمبر کی حمایت میں جنگ کرے. جو پیغمبر کی حمایت میں تیار کیا گیا وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا. اب یہی وہ حقیقت, ذرا میں اس موضوع پہ آگے بڑھ گیا تو آج کی ساری مجلس بھی ناکافی. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتظار, لیکن کیسا انتظار. اچھا یہ جو میں نے بات کہی اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں پڑھنا, سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 89 کا بیان پڑھ لیجیے گا, علماء پورا واقعہ لکھتے ہیں. خیبر آباد کیسے ہوا, کس نے آباد کیا, کس کے نام پر آباد کیا, دولت کے ذخیرے وہاں کس طرح منتقل ہوئے. خیبر والوں کے پاس اپنی دولت نہیں, ساری دنیا کی دولت کھنچ کے آتی, مگر اتنی شدت کے ساتھ رسول کا انتظار. ہمارے یہاں بچت کا پانچواں حصہ خمس کے نام سے نکالتے ہوئے بھی مومن کی جان جلتی, جبکہ پتا ہے کہ یہ گھوم کر دوبارہ ہم ہی میں خرچ کیا جائے گا, مگر جان نکلتی ہے خمس دیتے ہوئے. وہ یہودی با وفا سچے مخلص دیندار اپنے انتظار اور اپنی نیت میں خالص. مگر آگے چل کے کیا ہوا, وہی انتظار کرنے والوں کی اولاد اسلام کی اتنی بڑی دشمن بنی کہ بدر و احد کے کافر ابو جہل اور ولید کا نام مٹ گیا. یہودی آج تک مسلمانوں سے پیغمبر کا انتقام لے رہے. ایک مثال میں نے کہا مثالیں بہت ہیں, میں صرف دو مثالیں دوں گا. آیت کا ترجمہ پھر سنیے, اے ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے آنے سے پہلے تیرا انتظار کر کے دعا مانگ رہے, جب تو آ گیا یہی تیرے خلاف ہو گئے, اللہ کی لعنت ان مخالفوں پر. پیغمبر. دوسری مثال آقا حسین, کوفے والے اس طرح تڑپ تڑپ کے آقا حسین کا انتظار کر رہے ہیں, خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں, ڈیلیگیشن بھی بھیجے جا رہے ہیں, آقا حسین کا انتظار بھی کیا جا رہا, اور ایسا انتظار کہ ہر آنے والے پر انہیں شک ہونے لگتا شاید حسین آ گئے. اتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آیا تو سارا کوفہ یہ سوچ کر اس کے استقبال کے لیے نکل آیا کہ ابن زیاد نہیں آیا ہے, آقا حسین آئے. انتظار, خط, ڈیلیگیشن, راتوں کی نیند اڑ گئی, روزانہ کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہاں سے آقا حسین آئے. مگر بدلے تو کیسا بدلے کہ اسی کوفے کے بازاروں میں جناب زینب کو وہ خطبہ دینا پڑا جن میں ان کوفے والوں پہ لعنت بھی کی گئی اور انہیں بتایا بھی گیا کہ آگے چل کے تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ دو بڑی مثالیں, باقی مثالیں چھوڑ دیجیے, یہ دو بڑی مثالیں ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ آخری امام کا انتظار کرنے والوں ایسا نہ ہو
کہ آخری امام کے آنے کے بعد تمہارے معاشرے میں بھی اینٹی کلائمیکس ہو جائے, انتظار کرنے والے ہی امام کے مخالف ہو جائیں, انتظار کرنے والے ہی امام کے دشمن ہو جائیں, جبکہ ہمارے پاس پہلے سے 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. 200 پہلے سے ہمارے پاس 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو سب سے پہلی جنگ نہ کافروں سے کرے گا, نہ مشرکوں سے کرے گا, نہ منافقوں سے کرے گا. سب سے پہلی جنگ جو امام کریں گے وہ اپنے انتظار کرنے والے اور چاہنے والوں سے کریں گے, اور پہلی تلوار امام کے کسی کافر کی گردن کو نہیں کاٹے گی, پہلی تلوار مومن کی گردن پہ چلے گی. اب جب یہ روایتیں بھی آ گئی, تاریخ کے دو بڑے واقعات بھی آ گئے اور قرآن کی آیت بھی آ گئی, تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا, یہ خرابی کسی قوم میں کب پیدا ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہ ہو. یہ خرابی دو وجوہات سے پیدا ہوتی, دو وجوہات, ایک علم کی کمی کی وجہ سے, جہاں پہ میں یہ سوالات کا ذکر میں نے اسی لیے کیا کہ آپ کو وہاں لے جانا تھا. خیبر کے یہودیوں زمانے کے امام کا انتظار کیا, فوجیں جمع کر کے, خزانہ جمع کر کے, ہتھیار جمع کر کے, ان چیزوں کے امام کو ضرورت نہیں, اپنے اور اپنے بچوں کو معرفت امام رسول نہ کرائی, یہ نہ پہچانوایا کہ رسول کون ہے اور کیسے رسول کو پہچانو. اگر معرفت نہ ہو تو نہ خزانہ کام آتا, نہ ہتھیار کام آتے, نہ فوج کام آتی ہے. جس کے لیے رکھی گئی ہے معرفت نہ ہو اسی کے خلاف ہو جاتے معرفت, اور معرفت ہمیشہ علم کے ساتھ آتی. شیطان یہی نہیں چاہتا, اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو آج جعفری ہاؤس کی مجلس میں 5 دن کی محنت میں آ چکا, تو وہاں تقریر ہوئی تھی آپ کے لیے صرف ایک جملہ, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کی جہاں بات آئی شیطان کو پتا امام کا انتظار کرنے والے تو یہی لوگ ہیں, امام کا ساتھ دینے والے تو یہی لوگ ہیں. جس طرح سے میں نے یہودیوں کو انتظار کے بعد بہکا دیا, وہی طریقہ ان پہ کیوں نہ اختیار کرو, وہاں بھی یہی کیا, ہتھیار رکھوا لیے, درہم و دینار جمع کروا لیے, فوجیں بنا لی, انہیں معرفت رسول نہ کرنے دی, یہاں بھی یہی کرو. ان کو اتنا علم سے دور کر دو, اور علم سے کیسے دور ہوتا, یہ خود امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اللہ دنیا سے علم کو اٹھانے لگے گا. فرزند رسول علم کیسے اٹھایا جاتا, کہ علماء کی موتیں کثرت سے ہونے لگیں گی. عالم کا چلا جانا عالم کا جانا نہیں ہے, علم کا جانا. آپ عالم سے دشمنی رکھنا عالم سے دشمنی نہیں ہے, علم سے دشمنی ہے. مرجعیت کے خلاف آج اتنا زبردست موومنٹ کیسے چلایا جا رہا, ایک دم بیٹھے بیٹھے ایسا لگا ہماری قوم جوان ہو گئی ہے. پہلے بچے تھے, ہمارے بزرگ سب نادان تھے, ہمارے ایمان رکھنے والے پورے پورے خانوادے نہ سمجھتے, عقل تو ہم میں آئی ہے, سمجھ تو ہم میں آئی ہے, جواب تو ہم ہوئے ہیں. ہمیں پتا چلا آج یہ نائب امام نعوذ باللہ سب غلط, آج ہمیں پتا چلا یہ سب جھوٹے, آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں, آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ اللہ ایسا نیا انکشاف آج ہو رہا ہے ملت جعفریہ پر. جس قوم کا امتیاز, جھومر, فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس اشتہار کا دروازہ کھلا ہے, اور ہمیں ایسے نائب امام ملے ہیں کہ ایسے تو امام بھی دوسری قوموں کو نہیں ملے, ان کے امام سے ہمارے نائب امام بہتر ہیں. وہی قوم اپنے مراجع, اپنے نائبین امام اس لیے مخالف ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں ویسا وہاں سے فتویٰ,
जो हम कहें वो हमारी हर बात पे खाली साइन करते हैं। हम कहें नमाज ऐसी पढ़ो, वो कहे आमन्ना सदकना। हम कहें कि म्यूजिक के बारे में ये नजरिया दो, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक। ये कौम यहूद की सबसे बड़ी खराबी थी। चौनाच वक्त नहीं कि मैं इतने बड़े मौजू फैला कर और फिर समेट पाऊं, तो इसी में बात खत्म कर रहा हूं। दो बड़ी खराबियां थी कौम यहूद में, वरना नियत ठीक, अमल ठीक, पैगंबर का इंतजार इबादत थी। दो बड़ी खराबी, मारिफत रसूल के लिए कोई कोशिश नहीं, और जब मारिफत ईमान की जाएगी तो हमेशा मरजहियत समझ में आएगी। क्योंकि सवाल ये होगा कि अगर आपने इमाम को पहचाना तो क्या पहचाना। इमाम अल्लाह का नुमाइंदा इस दुनिया में, वो पर्दा गैबत में गए तो दीन को किसके हवाले करके गए, सिवाय मरजहियत के आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। पहली बात, मारिफत इमाम का लाजमी नतीजा है मरजहियत, और यही शैतान नहीं चाहता। आज सारा शोर उसने लगा दिया कि हमारी अपनी कौम अपने हाथ से अपने उलमा का कत्ल करे, जो यहूदियत कर चुकी। यहूदियत अपने हाथ से अपने उलमा को कत्ल कर चुकी। दूसरी खराबी, तकब्बुर, गुरूर, दौलत, जायदाद, मकान, कारोबार और ओहदे की लालच। अबू आमिर, वाकया सुनी, अबू आमिर मुझे पता नहीं क्यों एक यकीन सा हो रहा कि हमारे बच्चों ने इसका वाकया कभी नहीं सुना हो, जबकि बार बार सुनने का वाकया, खास तौर पर आखिरी जमाने के इस माहौल में, इसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि ज़ुहूर इमाम का जमाना करीब आ रहा बज़ाहिर। अच्छा एक बात सुन ली, कसरत के साथ हदीसें आई कि सबसे बड़ा झूठा वो है जो इमाम के ज़ुहूर की तारीख मुकर्रर करे। ये अल्लाह का राज है जो किसी को नहीं मालूम। अगर कोई कह दे कि मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि फला जमाने में इमाम आने वाले, झूठा है वो। और अगर कोई कह दे कि खुद इमाम ने मुझसे मुलाकात की और बताया कि मैं फला तारीख को आ रहा, उससे बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता। मगर निशानियों से थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा कि ज़ुहूर का जमाना करीब आता जा रहा, उसमें खास तौर पर ख्याल रखना, धोखा ना खाइएगा। ये दूसरी खराबी भी असल पहली खराबी ही की वजह से होती। अबू आमिर, अबू आमिर बड़ी शिद्दत के साथ इस्लाम ने गुनाह से रोका, वला तनाबिज़ बिल अल्खाब, एक दूसरे को बुरे नाम ना देना। अंग्रेजी कल्चर की खसूसियत ये भी कि हर एक का एक निक नेम रखा जाता, निक नेम। इस्लाम ने कहा खबरदार तौहीन आमेज लखब किसी को ना देना। मगर दो आदमी ऐसे जिनके अच्छे नाम को रसूल खुदा ने बदल कर उन्हें बुरा नाम दिया। एक अबू जहल, उसका नाम था अबुल हिकमत, अबुल हिकम, हिकमत का बाप, फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ विजडम। पैगंबर ने कहा यह हिकमत का बाप नहीं है, यह जहालत का बाप। आज से इसे अबू जहल को इतना मशहूर हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी भूल गए कि अबू जहल नहीं था, अबुल हिकम था। वो एक अलग वाकया। मगर दूसरा आदमी अबू आमिर, एक मक्के का एक मदीने का, एक इल्म की मिसाल है, कैरेक्टर की मिसाल। अबू आमिर मदीने का एक ऐसा यहूदी जो रसूल खुदा की मोहब्बत में दिन और रात इस अंदाज से दरख्त के नीचे बैठा रहता है, जैसे बाद रिवायतों में जाबिर इब्न अब्दुल्ला के बारे में आया कि रसूल खुदा ने इनके जरिए पांचवें इमाम को सलाम भिजवाया था, तो ये मस्जिद में बैठकर बार बार कहते थे ऐनल बाकिर, ऐनल बाकिर, ऐनल बाकिर। लोग कहने लगे जाबिर पागल हो गया, किसको मुकर बोला रहा, किसको मुकार रहा। पांचवें इमाम की विलादत से पहले से जाबिर, ऐनल बाकिर, ऐनल बाकिर। अबू आमिर
پیغمبر اسلام کی محبت میں دیوانہ بھی تھا اور اتنی معلومات بھی رکھتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، مدینے کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو آخری نبی کے لیے تیار کرنے لگا. لیکن بڑے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہر نیا مومن نوجوانوں میں بہت جلدی مقبول ہوتا، نوجوان اس کے گرد جمع. مدینے کے کتنے نوجوانوں رسول خدا کے آنے سے پہلے اس نے رسول خدا کے لیے تیار کیا، اور کیریکٹر وائز اتنا اچھا، اتنا پرہیزگار، ایسا متقی، ایسا مقدس کہ مدینے کے لوگ اس کا نام ابو عامر نہیں لیتے تھے، اسے کہتے تھے راہب، مقدس، پرہیزگار، متقی. کون ابو عامر؟ ابو عامر راہب. گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑ دی، کپڑے تک نہیں پہنتا ہے، ایک ٹاٹ کا بوریا اس میں سوراخ کر کے کرتے کی طرح سے اسی کو پہن لیتا کہ آخری نبی آئے گا. اسے عیش و آرام والے لوگ نہیں چاہیے، اسے زحمت و تکلیف اٹھانے والے لوگ چاہیے، فاقہ کرنے والے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے، بغیر مکان والے. اتنی شدت کے ساتھ اس نے پیغمبر کا عقیدہ پھیلایا کہ پوری نسل مدینے میں تیار ہو گئی. مگر ہوا کیا؟ اور اشارہ بھی کرتا ہے، مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے کہ ادھر سے وہ آخری رسول آئے گا مکے کی طرف. ایک ایک چیز اس کے پاس رسول کے بارے میں. لیکن جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو اب اسے یہ توقع ہوئی کہ پیغمبر اسے بلا کے شاباش دے گی اور بڑا عہدہ دے گی کہ تم نے میرے لیے اتنی تیاریاں کروائی، اتنی قربانیاں دی، اتنا انتظار کیا، ایک پوری نسل تیار کر دی. اس کے حساب سے جو توجہ اسے چاہیے تھی وہ رسول نے نہیں کی. اب یہی پیغمبر کا مخالف ہوا، کہنے لگا یہ جھوٹا رسول ہے، یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں. اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی باتوں پہ یقین رکھنے والے وہ سب پیغمبر کے ساتھی بن گئے، کیونکہ نشانیاں بتاتا تھا نا، وہ ساری نشانیاں رسول میں آئی. جس نے دوسروں کو رسول خدا کا ساتھی بنایا خود وہ خود پیغمبر کے خلاف ہو گئے، کہنے لگا میں اسے رسول نہیں مانتا ہوں. کیوں؟ پیغمبر نے اسے عہدہ نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی منصب نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی پوسٹ نہیں دی. اتنا خلاف ہوا کہ مدینے والوں کو اب الٹا گمراہ کر رہا، اب الٹا بہکا رہا، اس کی بات میں نہ یہ رسول نہیں ہے، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا. مدینے والوں نے توجہ نہ دی، یہ مکہ گئے، ابو جہل اور ابو لہب کو بھڑکا بھڑکا کر مدینے پہ حملہ کرا تھا. حتیٰ جنگ احد میں یہ واحد آدمی تھا مدینے کا رہنے والا، مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے آیا، اور جب احد میں کافروں کو شکست ہوئی اور اس نے دیکھا اب مکے والوں میں طاقت نہ رہی تو یہ شام چلا گیا، عیسائی حکمران کو مجبور کیا مدینے پہ حملے پہ حملہ کیا جائے. ایسا سخت مدینے کا دشمن، ایسا سخت رسول خدا کا دشمن. پیغمبر نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا، میرے آنے سے پہلے ہی تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے، کس نے تمہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ ابو عامر راہب نے. پیغمبر نے کہا خبردار اسے راہب نہ کہو، وہ فاسق ہے، فاسق، وہ کردار بیکار ہے جو پوسٹ اور عہدے کی تمنا رکھتا ہے، وہ آج میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کو عہدہ چاہیے، پوسٹ چاہیے. پھر عجیب جملہ پیغمبر نے کہا، جب میرا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا اس کے انتظار کرنے والے بھی کتنے ایسے ہوں گے، اس کے آنے سے پہلے راہب ہوں گے، اس کے آنے کے بعد فاسق بن جائیں گے. تو ہمارے سامنے دو مثالیں جو آ رہی ہیں، اس کو ذرا آگے بڑھائیں. اور وہ یہ کہ اگر ہم نے امام زمانہ کا صحیح انتظار نہ کیا تو ایسا نہ ہو ابو عامر کی طرح سے سب سے زیادہ انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کوفے والوں کی طرح سے
इमाम का इंतजार करने वाले इमाम के खिलाफ हो जाए। अब एक छोटी सी बात और सुन लीजिए और मैं अपनी तकरीर के असल हिस्से पे आता हूँ। एक ये वाकया आपने सुना वो आमिर का, अब एक दूसरा वाकया सुन। एक आदमी है हमजला, जिनका लकब है खसीलुल मलाइका, यानी जिन्हें फरिश्तों ने आके हुस्न दिया। ये कौन है? जंगे उहुद एकदम से काफिरों ने मदीने पे हमला किया। मदीने वालों को सानो गुमान में भी ना था कैसा हमला होने वाला। खुद चरवाहे उहुद के इलाके में बकरियां चरा रहे, भागे भागे आए, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा लश्कर मदीने में हमला कर रहा। पैगंबर फौरन ऑर्डर ऑफ द डे फरमान इमरोज जारी किया। अचानक काफिर आए, फौरन पैगंबर ने ऑर्डर किया हर आदमी इनका मुकाबला करने के लिए उहुद पहुंच जाए। जिस हालत में हो, जहां पर हो, फौरन उहुद पहुंच के मदीने को बचाना। हमजला उसी रात को शादी हुई और दुल्हन के पास से गुस्ल करने के लिए हम्माम जा रहे हैं, कान में पैगंबर की आवाज आ, हर मुसलमान वाजिब है कि फौरन उहुद के मैदान में पहुंच के मदीने को बचाए। जिस हालत में हो, एक मिनट की ताखीर जायज नहीं। वो गुस्ल खाने जाते जाते पलटे और उहुद के मैदान में पहुंचे। उहुद की लड़ाई खत्म हो, आखिर शाम के वक्त पैगंबर ने शुहदा उहुद की लाशें जमा की। मुसलमान घबरा घबराया, कहा या रसूल अल्लाह एक लाश ऐसा है कि हमें डर लग रहा है उसको देखकर। क्यों डर लग रहा? कहा या रसूल अल्लाह उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी उसको किसी ने नहलाया है। उहुद में कौन है जो इसे नहला के गया? पैगंबर करीबा, कहा हमजला गसीलुल मलाइका है, फरिश्ते कौसर का पानी लेके आए हैं और इसे गुस्ल देकर अपने साथ जन्नत में ले गए। या रसूल अल्लाह इसे, या रसूल अल्लाह कौसर के पानी से इसे गुस्ल क्यों दिया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब ये मैदान जंग में आया तो नजिस था, इस पर गुस्ल वाजिब था, मेरे हुक्म की वजह से फौरन आया, अब जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। चुनांचे फरिश्तों ने खुद इसे पाक किया और अपने साथ लेके गए। ऐसा मुजाहिद इस्लाम। मगर मालूम है ये कौन? ये उसी अबू आमिर का बेटा, बाप दुश्मन और ऐसा दुश्मन, राहिब से फासिक बना। पैगंबर ने मदीने से निकाला, वो उहुद के मैदान में मदीने का रहने वाला मक्के के लश्कर में आया और बेटा उसी उहुद के मैदान में मुसलमानों के लश्कर में आया। एक पैगाम पैगंबर ने दिया कि बुरे बाप के अच्छे बेटे पैदा होते हैं, अच्छे बाप के यहाँ बुरे बेटे पैदा होते हैं। मगर हंजला एक लम्हे के लिए रुक कर मैं एक बात और याद दिला, इसी हंजला का बेटा जवान हुआ और जब जवान हुआ और इसने सुना करबला का वाकया पेश आया। एक बार अपने दोस्तों की एक फौज बनाई, एक डेलीगेशन। अब इसके बाप की वजह से इसके बेटे का बड़ा एहतराम, जहां से जाता है मदीने वाले कहते हैं ये वो है जिसके बाप को फरिश्ते गुस्ल देके गए, ये वो है जिसका बाबा कौसर के पानी से धुलाया और नहलाया गया। ये मदीने से शाम गया, इतना बड़ा वाकया पेश आ गया। यजीद है कौन? मदीने वाले इतने बेखबर थे, गया और वापिस आके मदीने वालों से कहा पता है तुम्हें किसकी खिलाफत को मान रहे? पता है किसके हाथ पर बैत की है? शराबी, जानी, जुआरी, फासिक और फाजिर, मिंबर पे बंजरों को बिठाता, कुत्तों की लड़ाई करता, माँ बहनों में भी कोई फर्क नहीं रखता, ऐसे की बैत? आज से हम बैत तो होते। हंजला इंतहाई काबिल एहतराम, जब उसके बेटे ने कयादत संभाली तो सारा मदीना उसके साथ हो गया। और यहां से तारीख के चंद वाकयात इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो कि करबला आका हुसैन की शहादत के बाद वाकयात खत्म नहीं हुए। कितना बड़ा इनकलाब उसी जमाने में आया, 60 हिजरी को, 60 आका हुसैन मदीने से चले।
61 हिजरी को करबला में शहादत हुई। अहले अरब गिरफ्तार करके कूफा शाम ले जाए गए। एक साल ये लोग शाम में कैद रहे। 62 हिजरी में मदीने आए। अहले हरम का मदीने आना मदीने वालों को रोला गया। अब्बास कैसे नहीं आए, अकबर कैसे नहीं आए, आका हुसैन कैसे नहीं आए। अब मदीने में ये सवाल पैदा हुआ, यजीद है कौन, इसने इतना बड़ा जुल्म भी किया और कि हुसैन परसंद रसूल ने उसकी मुखालिफत की। हंजला के बेटे की कयादत में डेलीगेशन गए, वापिस आते ही यजीद की बैत तोड़ दी, मदीने में इस्लामी हुकूमत कायम की। यजीद वो तो इस वक्त अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहा, मैंने अपने मुखालिफिन में अहले बैत की भी परवाह ना की, ये कौन लोग। एक लश्कर बनाया। अजीब बात, कुरान की एक बड़ी मजलूम आयत है, बड़ी मजलूम आयत, सुनिए अभी कैसे मजलूम। एक लश्कर बनाया मुस्लिम की कयादत में और कहा जाओ मदीने पे हमला करो, और उन्होंने जो मेरी बैत तोड़ी है उसकी उनको भरपूर सजा दो। ये वाकया तारीख में कहलाता है वाकया हर्रा। सजा मुस्लिम लश्कर का सालार हसीन इब्ने नबीर, उसका डिप्टी और नायब सालार। ये कौन है इब्ने नबीर, जिसने अली अकबर के कलेजे में बर्छी उतारी। अब ये लोग मदीने आए, मदीने का घेरा किया, वाकया हर्रा, और यजीद के हुक्म पर ऐलान हुआ 3 दिन तक मदीने वालों का माल जान और इज्जत हलाल है। अगर मदीने जाओ जिसका माल नजर आए हलाल है उठा लो, 3 दिन तक कोई सवाल नहीं होगा। जिसे चाहे कत्ल करो, कोई सवाल नहीं होगा। जिसकी चाहे इज्जत लूट लो, कोई सवाल नहीं होगा। 3 दिन मदीने वालों का माल जान इज्जत हलाल की गई। यहां तक के रसूल खुदा के जमाने की सहाबियात, रसूल खुदा को 50 साल हो गए, यानी ये सारी खवातीन 60, 65, 70 की, उन तक के साथ ऐसा जुल्म अज़ीम किया गया कि मदीने में इस वाकये के बाद हराम की औलाद की एक पूरी नस्ल पैदा हुई। लेकिन खाली मदीने के आम लोगों पर जुल्म ना हुआ। हुक्म आया मस्जिद नबवी को एक इबरत की मिसाल बनाओ। यजीद की फौज पहुंची, मिंबर रसूल पे बंदर और कुत्ते लाके बिठाए गए। यहां रसूल खुदा बैठते थे, वहां बंदर बिठाए गए। और बाज़ उलमा ने लिखा है नऊज़ु बिल्लाह कब्र रसूल पे दस्तरखान बिछा के शराब पी गई। बाज़ ने कहा है कि वहां पर नहीं जन्नत के टुकड़े। 3 दिन तक मदीने की मस्जिद कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। घोड़े गधे और खच्चर अस्तबल बनाया गया, तवेरा बनाया गया, जानवर बांधे गए, मस्जिद नबवी को तोड़ दिया गया, जरिए रसूल को ढा दिया गया 3 दिन, और अच्छी तरह से मदीने पे जुल्म किया। वसीले मलाइका हंजला का बेटा, वो तो कयादत कर रहा था इस मदीने वालों की, सबसे पहले तो वो मारा गया। आज भी जन्नतुल बकी एक कब्र है वाकया हर्रा के शहीद। इस कसरत के साथ लोग और सारे के सारे, सारे ना सही तो बड़ी तादाद रसूल खुदा के असहाब की है। असहाब के नाम पे हमारी जाने कुर्बान, मगर उन पर इतना बड़ा जुल्म करने वाला यजीद, आज उसी की हिमायत करने वाले भी मौजूद। फिर ये काफिला, काफिला नहीं यजीद की फौज मदीने से निकली। यजीद ने कहा था मक्के वालों को भी ऐसा ही सबक सिखाना। रास्ते में यह एक बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत अहम वाकया रहा मेरे इस मौसू से हटकर, लेकिन अपनी कौम की मौजूदा हालत को देखकर वो अभी थोड़ा ठहर जाइए। एक बार मदीने को तबाह करने के बाद यजीद का लश्कर मक्के की जानिब चल रहा। अच्छा ठीक यही कहानी। अब एक सवाल कि मेरा मौजूद तो जमाने का इमाम था, ठीक यही तारीख इमाम जमाना के जहूर के वक्त भी दोहराई जाएगी। सुफियानी शाम में बैठता था, बैठे था, यजीद भी शाम में रहता था। सुफियानी एक लश्कर भेजेगा मदीने की तरफ,
यजीद ने एक लश्कर भेज दिया, सुफियानी मदीने को ऐसा ही तबाह करेगा जैसे यजीद ने मदीना तबाह कर दिया। सुफियानी इसी तरह रोजा रसूल को गिराएगा, मुनादिम करेगा जैसे यजीद कर चुका। सुफियानी का लश्कर इसी तरह से खाने काबा पे हमला करने जाएगा, यजीद का लश्कर हमला कर चुका। लेकिन बस यहां फिर वाकयात अलग हो जाएंगे। सुफियानी की फौज मदीने और मक्के के दरमियान जमीन फटेगी और सारी फौज इसके अंदर खर्क होकर हलाक होगी। सिर्फ दो आदमी बचे, जिब्राइल, दोनों की गर्दन पकड़ के एक से कहेंगे मक्का जाकर मक्के वालों को बताओ कि कैसे अल्लाह का अजाब आया दुश्मना ने मदीना पर। दूसरे से कहेंगे कि शाम वापस जाओ और सुफियानी को बताओ कि किस तरह से उसकी मोहलत पूरी हो गई, अब अजाब खुदा उसके पीछे पीछे आ रहा। मगर ये तो वो वाकयात है जो जुहूर के बाद पेश आएंगे। अभी आप करबला में आका हुसैन की शहादत के बाद के वाकयात को सुनिए। लश्कर चला, लश्कर का सरदार मुस्लिम बीमार पड़ा, बीमार पड़ के रास्ते में मर गया। डिप्टी कमांडर इन चीफ हसीन इब्ने नमीर डिप्टी था, अब उसने लश्कर की कयादत अपने हाथ में संभाली। मक्के को घेरे में लिया गया, मक्के के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पे तोपे लगाई गई जो अपने जमाने की तोप होगी इंजीनियर, और खाने खुदा पे इतनी गोलाबारी की गई, पहले तो आग फेंकी गई, गिलाफ काबा चला, फिर गोले फेंके गए यानी पत्थर, खाने काबा की चार में से तीन दीवारें टूट के गिर गई। ये भी अल्लाह का एक अजीब इम्तिहान होता है मोमिन का। काफिर अब रहा हाथियों का लश्कर लेकर काबे को तबाह करने आया, खुदा ने अब अबीलों के जरिए लश्कर खत्म कर दिया। और मुसलमानों ने जब काबे पे अटैक किया, अल्लाह ने छोड़ दिया उनके हाल को। ये काबा आज तक किसी काफिर के हाथ से नहीं टूटा, दो बार मुसलमानों के हाथ से टूट चुका। और पहला ये वाकया इब्ने नमीर खाने काबा को घेरे में लिए। अब यहां पे रुक के कुरान की मज़लूम आयत सुनाओ, फिर एक अहम वाकया सुनाओ, और फिर मुख्तार तक आपको ले जाके आपकी मजलिस खत्म करो। कल मेरा वादा था कि आज के मसाइल में मुख्तार के दरबार का एक वाकया आएगा, लेकिन अभी रुकिए। यजीद के लश्कर का असल सरदार जिसने रोजा रसूल को ढाया, और ये दूसरा सरदार इब्ने नमीर इसने मक्का मुकर्रमा में काबे में गोलाबारी, दोनों से पूछा गया तुम कैसे मुसलमान, मदीने और रोजा रसूल पे हमला कर रहे और मदीने की औरतों की इज्जतें टूटी गई, मर्दों को कत्ल किया गया, खाने काबा के दीवारें गिरा दी। कहा हम तो कुरान पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये कौन सा कुरान है जिसमें ये लिखा है? कहा एक आयत आई है ना, या अय्युहल लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, अपने बादशाहों की बात मानो। हाकिम ने कहा काबा गिरा दो, हमने काबा गिरा दिया। हाकिम ने कहा रोज़े रसूल पे शराब पियो, हमने रोज़े रसूल पे शराब पी। ये नतीजा होता है अहले बैत के दामन को छोड़ने का, ये नतीजा होता है मासूम उलिल अम्र को छोड़कर गैर मासूम को उलिल अम्र के मानने का। इब्ने नमीर अपने इतने बड़े गुनाह की दलील कुरान से लेके आ रहा, लेकिन अभी खाने काबा घेरे में, तीन दीवारें गिर गई, खाने काबा का खिलाफ पहले चला दिया गया, चौथी और आखिरी दीवार बाकी। क्या अचानक शाम से यह खबर आई 64 हिजरा 64 हिजरी हो गई, 60 में हुसैन मदीने से निकले, 61 में करबला का वाकया, 62 में अहले हरम मदीने आए, 63 में मदीने में अटैक हुआ, 64 हिजरी खबर आई कि शाम में यजीद वासिले जहन्नम हो गए। आज तक यह पता नहीं चला कि यजीद पे क्या गुजरी। एक वाकया आमतौर पर पढ़ा जाता, बीमार हुआ और इतना बीमार, पानी 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 पिला पिला के उसका पेट इतना फूल गया कि फटने के करीब। तबीबों ने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा, इसे किसी और एक्टिविटी में लगाओ, शिकार के लिए लेगा। पहले जमाने में
ना क्रिकेट होती थी, ना हॉकी होती थी, ना फुटबॉल होता था, ना T20 होता था, ना वनडे होता था, का शिकार पे ले गया, उसी में दिल बहलेगा। शिकार पर गया और फिर वापस नहीं आया, खाली इसका घोड़ा आया जिसके गर्दन में इसकी एक टांग कटी हुई नजर आई। फिर बाद उलमा ने कुछ वाकयात लिखे हैं यजीद के कि क्या अजाब आया था जंगल में, लेकिन चूंकि इतने मोतबर नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये खबर शाम से मक्का पहुंची, अभी तक अरब के लोग यजीद की ताकत के डर से बड़ा सब्र करके बैठे थे। यजीद के मौत की खबर पाई, खुद अपने इब्ने नबीर की अपनी फौज इसके खिलाफ हो गई, जान बचा के भागा, सारा अरब इसका दुश्मन, मदीने पे हमला करने वाला। जरा तवज्जो दीजिएगा, बड़ा अहम वाकया आ रहा, खाने काबा पे गोलाबारी करने वाला, मेरा जहाज ना उड़ गया, खाने काबा पे गोलाबारी करने वाला, मदीने पे हमला करने वाला, रोज़ा रसूल को ढा देने वाला, अरब का बच्चा बच्चा इसका दुश्मन, परेशानी के आलम कैसे जान बचा के अरब से निकल के किसी तरह शाम पहुंच जाऊं। शाम तो अपना इलाका, अकेला सहरा में भूखा प्यासा, किसी से जाके बात भी नहीं कर सकता, ये मुझे पहचानता ना, यही पकड़ के सभा कर देगा। इस हालत में देखा एक जगह जंगल में कोई काफिला आके रोका, पूरा काफिला भी नहीं, खानदान लग रहा, दो तीन खेमे हैं, कुछ सवारियां। सोचा ये लोग शहर से बाहर, पुराने जमाने में ना मोबाइल होते थे ना इंटरनेट, इनको पता ही नहीं होगा कि मदीने मक्के और शाम में क्या गुजर रही है, जंगल में बैठे, ये मुझे नहीं पहचानते होंगे। करीब गया, पहला खेमा नजर आया, अच्छा प्यास से मर रहा, भूख से मर रहा, करीब गया, खाना मांगा, क्या था खेमे का पर्दा हटा, देखा मेरा मजलूम आका सज्जाद बाहर आ रहा। अब तो इसकी जान निकल गई, इसके हिसाब से दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सज्जाद को होना चाहिए, ये वारिस काबा भी, मैंने काबे को तबाह किया, ये मुहाफिज़े मदीना भी है, मैंने मदीने पे जुल्म किया, सबसे बड़ा सज्जाद हर चीज भूल गया होगा, अपने 18 साल की अकबर की शहादत को नहीं भूल सकता, मैंने सज्जाद के जवान भाई के कलेजे में बर्छी उतारी, अब घबरा गया, लेकिन अब क्या करें, इतना करीब आ चुका कि वापस भी नहीं जा सकता, भाग भी नहीं सकता। मेरे मौला ने बाहर निकल के कहा, क्या है अरब, तू भूखा और प्यासा लग रहा है, आ मैं तेरे लिए खाने और पानी का इंतजाम करूं। दिल में ख्याल आया, ये जुमला बता रहा है मुझे नहीं पहचाना, अरे अरब आ मेरा मेहमान बन, मैं खाने और पानी का इंतजाम करूं, मुझे नहीं पहचाना। मौका अच्छा, सज्जाद खेमे में लेके गए, गुलाम को बुला के ठंडा पानी ताजा खाना, पेट भरा, प्यास बुझी, कई दिनों का फाका, आदमी पे खुनूत की तारी होती है। मौला ने सबको बाहर निकाला, कहा आराम से खेमे में लेटेगा, या कोई आके तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालत भी ऐसी थी कि पेट भरने के बाद नींद की वजह से छूटे आ रहे, लेट गए, थोड़ी देर सोया, जरा आराम हुआ, आंखें खोली, खेमा खाली, कोई गुलाम तक नहीं, मौका अच्छा, चुपके से बाहर निकल जाओ, इन्होंने तो नहीं पहचाना, हो सकता है कोई गुलाम पहचान ले। आराम मिला, खाना मिला, पानी मिला, जल्दी से भागो बाहर निकला, घोड़े पे बैठ के चलना चाहता, देखा मेरा मजलूम आका रास्ते में खड़ा, ऐशस कहां जा रहा है, पूरा आराम तो नहीं किया, अब बर्दाश्त न कर सका, कहा कि शायद आपने नहीं पहचाना मैं कौन हूं। मेरा मजलूम आका सज्जाद कहता है, तू भी कोई भूलने वाली शख्स, पहली निगाह तेरे चेहरे पर पड़ते ही मैंने पहचान लिया, तू फरसंदे रसूल, तो आपने मुझसे करबला का इंतकाम न लिया, कहा कहीं और मिलता तो करबला की बात हो सकती, अभी तू मेरी पनाह में आया, मेरा मेहमान बन के आया, करबला में हम तेरे मेहमान थे, जैसा तेरा दिल चाह तूने खिदमत की, या तू मेरा मेहमान है, हमारे मोहम्मद मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। घबरा के का मौला हाथ फैलाई,
میں یزید کا سالار آپ کی حکومت پورے عرب میں قائم کروں گا. میرے مولا نے حقارت کے ساتھ دیکھا, دولت دنیا اور حکومت کی لالچ دے رہا ہے, صرف مہمان ہے, اس لیے میں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اے صاحبان ایمان, ہمارے درمیان کمیونٹی میں کتنے جھگڑے ہیں, برادری میں کتنے اختلاف ہیں, پیسے کے معاملے میں کیسے پارٹنر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, گھروں کی سوشل لائف میں شوہر بیوی ساس نند. وہ سجاد جو اپنے اکبر کے قاتل کو بھی جب مہمان بن کے آتا ہے تو اتنی عزت اور احترام دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو, اپنے مومن بھائیوں کو, اپنی برادری کے لوگوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, چلے مانا اس نے غلطی کی, مانا اس نے زیادتی کی, نظر انداز کرنے اور معاف کرنے کے قائل نہیں ہے. یہ تو ایک جملہ بیچ میں سمنا آ گئے. ابن نمیر اس لیے بھاگا کہ یزید مارا گیا. اب جیسے ہی یزید مارا گیا مکہ بھی آزاد ہو گیا. اب تک یزید کے ڈر سے یہ لوگ ابن نمیر کو برداشت کر رہے تھے, اور کوفہ بھی آزاد ہو گیا. کوفہ آزاد ہونے کا مطلب وہی جو صدام کے مارے جانے کے بعد عراق میں ہوا. کیا مطلب؟ ایسے ایسے قید خانے صدام نے عراق میں بنائے تھے جن کا کسی کو پتا بھی نہ تھا. کتنے عزتدار گھرانے اس میں قید تھے. بیویاں انتظار کر رہی, ہمارا شوہر روٹی لینے بازار گیا, غائب ہو گیا. صدام کے سپاہیوں نے اٹھایا اور قید خانے میں ڈال دیا شہر کوفہ. ابن زیاد ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جو زمین کے نیچے تہ خانے میں تھا. 4500 محبان اہل بیت وہاں قید کیے گئے تھے. اکثر ایک سوال ہوتا ہے, کربلا کے واقعے کے وقت ہم نے مانا کہ سارے عرب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن بعض بڑے اہم اہم شیعان حیدر کرار تھے, وہ کہاں تھے کربلا کے وقت؟ دشمنان اہل بیت جو کسی طرح بھی کربلا کو ہلکا بنانا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 61 ہجری میں تو عاشورہ دسمبر میں آیا, کوئی گرمی تھی ہی نہیں, کون سا پیاس کا امتحان. کبھی کہتے ہیں کہ پورا اہل بیت کا گھرانہ حسین کے خلاف تھا, سب روک رہے تھے مت جائیے کربلا. ارے حسین کے بابا کے صحابی, حسین کے چچا جیسے, وہ سب خلاف تھے. خیر ہم تو اسے مانتے ہی نہیں. اگر وہ سب خلاف ہو جائیں, ہو جائے, حسین امام وقت ہے, حکم امام کا چلے گا. مگر جب نام آتا ہے کمیل, دعائے کمیل, وہ کربلا کے وقت زندہ تھے, کیوں نہیں آئے حسین کی مدد کو؟ جب نام آتا ہے میثم تمار, کربلا میں زندہ تھے, کیوں نہ آئے حسین کی مدد کو؟ جب نام آتا ہے مختار, کربلا کے وقت زندہ تھے, کیوں نہ آئے حسین کی مدد کو؟ جب نام آتا ہے فصہ کے 4 جوان بیٹے, جو فصہ قرآن کی آیتوں سے بات کرتی اس میں ان کے 4 جوان بیٹوں کا نام, وہ کیوں نہ آئے کربلا؟ تب ہمیں یہ جواب دینا پڑتا. کوفے میں جا کے ابن زیاد کے اس قید خانے کو دیکھ, جو زمین میں 3 منزلیں نیچے بنا, نہ کبھی وہاں سورج کی روشنی پہنچی نہ تازہ ہوا, وہاں رہنے والے اندھے ہو گئے اندھے. صرف ایک قیدی وہاں ایسا گیا جو زندہ باہر آئے, مختار, اور وہی زندہ آ کر باقی سب کی رہائی کا سبب بنا. جب یزید مارا گیا خبر آئی, اچھا یزید نے ابن زیاد کو بصرے کا گورنر بنایا تھا, وہ وہاں تھا, یہ یزید کا اس وقت کا گورنر, سارا کوفہ اس کے خلاف بغاوت کرتا. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جیل توڑی. کیسے کہوں جملہ, صدام کے زمانے میں جب ایک جیل توڑی گئی تھی تو پتا چلا اس کے 2 حصے, پہلے حصے میں سارے مرد ہیں آزاد ہو, دوسرے حصے میں خواتین سیدانیاں, بعض بڑے قابل احترام براجے کے گھرانے کی خواتین. جب وہ جیل توڑی گئی کوئی عورت باہر آنے کو تیار نہیں, کیوں؟ کہا ہمیں کم از کم لباس تو لا کے دے دو, یہاں ہمیں بغیر لباس کے رکھا گیا, یہ سب یزیدیت کے طریقے. جیل ٹوٹی, ایسے ایسے لوگ باہر آئے, اور جب انہیں آ کے پتا چلا آقا حسین مارے گئے, اور حلم ناصرین کہتے ہوئے مارے گئے. ہم تھے
और जेल में थे, बजायर शरई उसूर तुम जेल में थे, पर नहीं, आका ने हमें पुकारा था, हमें आका की पुकार में जवाब देना। अब यहां कैद से रिहा होने वाले 4,500 शियाने हजरे करार में इख्तिलाफ हो गया, आधे एक तरफ चले गए आधे दूसरी तरफ, दोनों ने दोनों मुखलिस दोनों हुसैन के वफादार, इख्तिलाफ क्या हुआ, एक की कयादत मुख्तार कर रहे हैं, एक गुरु की कयादत सुलेमान कर रहे हैं, सुलेमान इब्ने सुरद खज़ाई, इख्तिलाफ क्या हुआ, 4,500 शिया आशुरे की आवाज हल में नासरीन के वक्त जिंदा थे मगर कैद में थे। अब जो बात पता चला कयामत गुजर गई, हमें खून हुसैन का इंतकाम लेना, तरीके कार में इख्तिलाफ हो गया। हजरत आयतुल्लाह खामेनाई रहबर मुस्लिमीन वली अमर मुस्लिमीन 4 साल पहले उनका खुतबा था पहली मुहर्रम को, खिताब पैगाम पढ़िएगा उसे, इस वाकये का भी तस्किरा है और जदीद जमाने के हालात को इससे मिलाया। मुझे अपनी फ्लाइट की इतनी फिक्र हो गई इस वक्त कि जल्दी से बात को इख्तिताम में पहुंचा रहा हूं, वरना बड़ी दिलचस्प बात है। इख्तिलाफ क्या हुआ, मुख्तार ने कहा हमें इंतकाम लेना, मगर बनु उमैया को 25 साल हो गए हुकूमत करते हुए, इनकी हुकूमत बड़ी ताकतवर, एक प्लानिंग करो, मंसूबा बनाओ, एकदम अफरा तफरी में मत निकल जाओ इंतकाम के लिए, मार दिए जाओगे, ताकतवर खानदान पुराना खानदान है। और सुलेमान खज़ाई ने कहा हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आका हुसैन हमें पुकारता हुआ दुनिया से चला गया, मरते हैं तो मर जाए, हमें फौरन इंतकाम देना, आधे लोग इस लश्कर में शामिल हुए, सुलेमान लश्कर लेके चले। वही हुआ कि बेतरतीब और अफरा तफरी का लश्कर हुकूमत की पूरी ताकत से टकराया, ये सारे मारे गए, मरते मरते कहने लगे हम आए मरने के लिए थे, हम यजीद की हुकूमत का खातिमा करने नहीं आए थे, मरने आए थे, मर गए कामयाब हुए। मुख्तार ने कहा कि नहीं, हमें पहले प्लानिंग करना, मुख्तार ने प्लानिंग की, पहली मजलिस इस साल कौमी मरकज की, मुख्तार मालिक अश्तर की बेटी मुख्तार की मददगार बनी, अपने भाई इब्राहिम को लेके आए, मुख्तार तो बूढ़ा आदमी है, 1 हिजरी में पैदा हुआ, 66 हिजरी में बीमार ज़ईफ है, इब्राहिम जवान था, वो आए कहा मैं लश्कर का सिपे सालार बनूंगा तुम हुक्मरान बनो, उधर यजीद तो मारा गया, शाम के अंदर यजीद का खानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए क्योंकि यजीद के बेटे ने हुकूमत ठुकरा दी, इधर कूफे में मुख्तार को मौका मिला, इब्राहिम की मदद से कूफे में हुकूमत कायम की, मगर सिर्फ 9 महीने हुकूमत की, और ऐसा लग रहा है मसाइब की मंजिल आ गई, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने मुख्तार को सिर्फ इंतकाम खून हुसैन के लिए जिंदगी दी थी, क्योंकि जैसे ही आखिरी कातिल मारा गया मुख्तार खुद शहीद हो गए मक्के से। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की फौज ने अटैक किया, मुख्तार अपने महल में अकेले रह गए, शहीद हो गए, मुख्तार की 2 बीवियां बेवा हो गई। इब्ने जुबैर आया और कहा कि अपने शौहर पे लानत करो, एक बीवी ने कहा मैं मर जाऊंगी ऐसे मुहिब अहले बैत पे लानत ना करूं, उसे शहीद कर दिया गया। दूसरी ने कहा दिल से लानत नहीं करूंगी, तलवार दिखा रहे उसके जबानी लानत कर रहे। मुख्तार की एक बीवी शौहर के साथ मारी गई, आज भी दुनिया भर के मोमिन मस्जिद कूफा के बराबर जब मुस्लिम इब्ने अकील के रोजे की जियारत को जाते हैं तो हानी इब्ने उरवा और मुख्तार के रोजे की जियारत भी करते हैं, मगर मुख्तार ने 9 महीने के दरमियान इब्ने सियाद को कत्ल करवाया, हरमला को कत्ल करवाया, खूनी को कत्ल करवाया, शिमर को कत्ल करवाया, अपने सगे बहनोई, हमारे यहां पाकिस्तानी माहौल में भाई अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते, मुख्तार ने अपनी बहन का सुहाग अपने हाथ से उजाड़ा, क्योंकि जहां अहले बैत की मोहब्बत आ गया
وہاں نہ دوستیاں چلتی ہیں, نہ رشتہ داریاں چلتی ہیں, نہ خاندانی مسئلے چلتے ہیں. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, چاہے میری بہن کا شوہر کیوں نہ ہو. مختار نے یہ پانچوں سرکار کے آقا سجاد کو بھیجوا, اور آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مختار پر رحمت نازل کرے. اس کی وجہ سے ہمارے گھرانے میں سیدانیوں نے پہلی مرتبہ کربلا کے بعد نیا لباس پہنا, بالوں میں تیل ڈالا, چولہے روشن ہوئے. مگر آپ تو خالی مختار کا نام سن کے رونے لگے. مختار کے دربار میں روزانہ ایک مجلس ہوتی تھی, کیونکہ جب کوئی قاتل گرفتار ہو گیا تھا مختار پہلا سوال یہ کرتے تھے, بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا تھا. اچھا آپ کہیں گے کہ ہر آدمی اپنا جرم چھپاتا, نہیں, مختار نے جب ابن زیاد کے محل میں قبضہ کیا تو سارا ریکارڈ کربلا میں ایک ایک چیز لکھی گئی تھی وہ مختار نے اپنے ہاتھ میں لی. اور جب کوئی قاتل آتا ہے مختار کہتے ہیں جو تو کہہ رہا ہے اگر اس ریکارڈ کے خلاف ہے تو تیری سزا قبول کر دی جائے گی. بتا کیا کہہ رہا, میں چیک کروں گا صحیح کہہ رہا کہ غلط. ایسا بھرپور انتقام دیا کہ ان کو بھی نہ چھوڑا. آقا حسین جب یہ لوٹا قافلہ کوفے میں آیا تھا نا, تو آقا کی سواری کا اونٹ وہ بھی کوفے میں آیا, زلجنا تو کسی کے ہاتھ میں نہ لگا. اس نے پتا نہیں کتنے سالموں کو اپنی ٹاپوں سے روندا اور فراق پر چھلانگ لگا کے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی, زلجنا. مگر اونٹ آیا, وہ کوفے میں ذبح کیا گیا, اس کا گوشت گھروں میں تقسیم کیا گیا. آگے گھر والوں نے کہا کہ نہیں, حسین کی سواری کا جانور ہم اس کا گوشت نہیں لیں. 40 گھر والوں نے قبول کر لیا. قبول کرنے کا مطلب ہے لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. یہ راضی تھے, مختار نے ان سے بھی انتقام لیا. مگر مختار کے دربار میں سب سے مشکل وقت وہ آیا جب خولی کو لایا گیا. خولی کی دو بیویاں تھیں, ایک محب اہل بیت تھی اور ایک شام کے علاقے سے تعلق رکھنے والی یزیدی تھی. جب خولی کو لایا گیا تو وہ تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا, چھپا بیٹھا. خولی کی محب اہل بیت بیوی نے سپاہیوں کو اس کا سراغ بتا کے اسے گرفتار کروایا. جب سپاہی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے, اس نے کہا خولی کی دوسری بیوی کو بھی ساتھ میں گرفتار کرو, وہ کم نہیں ہے دشمنی اہل بیت میں. مختار دربار میں بیٹھے, خولی آ رہا, گھبرا کے اپنے سپاہیوں سے کہا میں نے مرد کو گرفتار کرنے کو کہا, یہ عورت کیوں لا رہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا, جس خاتون نے خولی کی گرفتاری میں مدد کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دوسری عورت کو بھی گرفتار کر کے لے جاؤ. مختار نے کہا پہلی عورت سے ہم تیرا احسان مانتے, اتنے بڑے ظالم کو گرفتار کرایا, مگر یہ اس کے ساتھ اپنی سوکن خوری کی دوسری بیوی کو کیوں گرفتار کرایا؟ کہا مختار تو ان سب سے انتقام لے رہا ہے نا جو قتل حسین میں شریک تھے. کہا ہاں. اور ان سے بھی انتقام لے رہا ہے نا جو اس عمل پہ راضی تھے. کہا ہاں. تبھی تو اونٹ کا گوشت کھانے والوں کو میں نے سمجھا دیا. کہا سن, میں ایک دن اپنے پڑوس میں گئی تھی, بس یہ مسائل کی منزل شروع اسی پہ آج گفتگو ختم. میں ایک دن پڑوس میں گئی تھی, جب واپس آئی تو دیکھا میرے سارے گھر میں چراغا لڑکی, اور میرا شوہر تو ابن زیاد کے دربار میں گیا. یہ میری سوکن, یہ میری سوک, نہا دھو کر عید کے دن کیا کپڑے پہنے جائیں گے؟ جو بہترین کپڑے پہنے, سونے اور چاندی کے زیورات بدن پہ آویزہ کر کر ناشتی بھی میرے سامنے آ رہی. میں نے گھبرا کے کہا آج نہ کوئی شادی, نہ کوئی خوشی کا موقع, نہ کوئی عید ہے, وہ ناشتی اور کھاتی ہوئی ٹھمکتی ہوئی کہہ رہی ہے آج تو دنیا کی سب سے بڑی عید ہے.
मैंने पूछा कौन सी, कहा कि आज फातिमा के लाल का कटा सर मेरे घर में लाया गया, इससे बड़ी ईद क्या हो। मैं घबरा गई, फरसंदे जहरा, कहा कि हाँ। मैंने कहा मेरे आका का कटा सर कहाँ रखा, कहा कि मेरा शौहर तो ये सर कमरे में रख के इब्ने सियाक के दरबार में गया, मैंने उसे उठा के तंदूर में रख दिया है। आए मुख्तार में बर्दाश्त न कर सकी, घबरा के दौड़ी और तंदूर से इस सर को निकाला, सारी राख और मिट्टी में ये सर आलूदा, खून तो था ही हुसैन का, खून में आलूदा सर। मैं अपने हाथों से अपने आका के चेहरे और बालों से राख और मिट्टी हटा रही हूँ और ये मेरे सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के कभी नाच रही है, कभी गा रही है और कह रही है, देखा मेरे हाकिम यजीद के सामने आने वालों का क्या अंजाम होता। मुख्तार, मैंने बेख्तियार कहा, अल्लाह तेरी इस जबान को काटे जिससे मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर रही है, अल्लाह किसी ऐसे को भेजे ये गुस्ताखी वाली जबान। पूरे दरबार में कोहराम बपा हो गया। देखिए आप उससे सुन रहे हैं, 1400 साल बाद सुन रहे हैं, मेरी आवाज बैठी है, मेरा सीना जवाब दे चुका, फिर आप इतना गिरिया कर रहे हैं। जब मुख्तार के दरबार में उसी जमाने का वाकया, ये मोमिना कैफियत बता रही है, सारे दरबार में कोहराम, लोग अपना सर दीवारों से टकरा रहे हैं। लेकिन लेकिन मुख्तार ये है मोमिन। दो चीजें मुख्तार की मुझे बहुत पसंद है, बाकी चीजों के अलावा, जब कत्ले इमाम का इरादा किया, बाकायदा प्लानिंग के साथ चले, अफरा तफरी में नहीं निकले, दूसरी बात इतने जज्बात में भी इंसाफ और अदल का दामन न छोड़ा, कहा कि तूने जो कहा मैंने सुन लिया, सारा दरबार रो रहा है, लेकिन सौकन और सौक एक दूसरे की दुश्मन होती है, हो सकता है तू ये सारी बातें अपने दिल से बना के कह रही हो ताकि इसे सजा मिले। शामी औरत ये बताइए जो कह रही है सही कह रही है गलत, वो देखिए अपने गलत अकीदे में कितनी पुख्ता, कहती है मुख्तार जो इसने कहा सही कहा, मैं तो इससे बढ़कर तेरे आका की तौहीन करने वाली थी, मेरा अपने अमीरुल मोमिनीन यजीद पे मुकम्मल इत्तेकाद है, उसके नाम पर मैं मर जाने को तैयार हूं। यजीदी इतना पुख्ता अपने अकीदे में, मुख्तार इसे सजा, मोमिना बीवी को बड़े एहतराम से रुख्सत किया और कहा खूली को लेकर, असल केस तो उसका, बस अब मेरा जिस्म जवाब दे रहा, तकरीर भी 1.5 घंटे की हो रही है, ये चंद जुमले आपके लिए काफी। मुख्तार का इंतजाम, कभी मौका मिला तो पूरी तफसील पढ़ूंगा। खूली आया, मुख्तार ने कहा, अजीब जवाब है खूली का, मुख्तार ने कहा कि खूली तुझे पता है तुमने किस पे जुल्म किया, हाँ मालूम, ये रसूल का घराना, तो क्यों ये जुल्म किया, कहा मैं क्या करूं, सभी ये कर रहे थे। आज मोमिन ये दलील पेश करता, भाई आपकी शादी में म्यूजिक क्यों, क्या करे मौलाना सभी ये कर रहे, आपकी शादी में मिक्स गैदरिंग क्यों, क्या करे मौलाना मजबूरी है सब यही कर रहे, आपके घर की औरत बेपर्दा क्यों, क्या करे मौलाना आज का माहौल ही ऐसा, आपका बच्चा बैठ के गाना क्यों सुन रहा है, कहा मौलाना सभी बच्चे ये करते, आप दाढ़ी क्यों शेव करते, कहा मौलाना सभी ये करते। ये जवाब हुसैनी का नहीं है, ये यजीदी का जवाब। हुसैनी का जवाब क्या, जब हुसैन मदीने से निकले लोगों ने आके रोका मत जाइए, कहा यजीद की खराबी देखो, कहा मौला लेकिन बाकी सब भी तो खामोश बैठे हैं, कहा सब खामोश बैठ सकते हैं लेकिन मैं मोहम्मद का बेटा हूं, मेरी रगों में मोहम्मद का खून है, मैं खामोश नहीं बैठ सकता। हुसैन ने बताया पूरे जमाने के खिलाफ जाके अपनी जिम्मेदारी अदा करना हुसैनियत है और जो सब लोग कर रहे हैं वही करना यजीदियत। खूली अजीब जवाब दे रहा, सब यही कर रहे, मैंने भी वही किया। मुख्तार ने फिर उसको जवाब दिया लेकिन अब तो मंजिल मसाइल का, खूली इतना बता दे करबला में तूने क्या किया था,
ये सवाल हमारे साथ से भी पूछा था, ये सवाल शिमर से भी पूछा था, ये सवाल हरमुला से भी पूछा था। हरमुला ने कहा था मैंने तीन तीर मारे, और ये सवाल कुली से पूछा तो उसने कहा करबला में मैंने तीन ऐसे कारनामे किए थे। अब तो फंस गया ना, लेकिन कह रहा है कि जिसपे मैं फख्र करता था, इब्ने ज़ियाद के रिपोर्ट में, रिकॉर्ड में, फाइल में कुली का पूरा बयान खुद लिखा हुआ था, सखत समेत मौजूद। मुख्तार ने कहा बता करबला में तूने क्या किया, तेरे दोस्त तेरे रिश्तेदार वो बताते रहते हैं करबला से कल तक, आज तो पकड़ा गया लेकिन कल तक हर जगह तू ये बयान करता था। कहा हाकिम करबला में बस तीन बड़े काम मैंने किए। पहला, अय मुख्तार जब हुसैन मारे गए लोगों के नैजा पे कटा सर बुलंद हो गया, और एक बार लश्करे यजीद लूट मार के लिए खेमों की जानिब दौड़ा, मुझे जरा देर हो गई, अब 30,000 सिपाही दौड़ रहे मैं जरा पीछे रह गए, और जिसका नतीजा ये निकला कि जब मैं पहुंचा या बीवियां फरियाद करती हुई बैठी हैं, तो मैंने देखा सारा सामान लूटा जा चुका, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो बचा जिस पर दूसरों ने किसी वजह से हाथ नहीं डाला था। अब वजह भी सुनते जाए, मैंने देखा सारा मालो अजबाब लूटा जा चुका, बस एक छोटी सी बच्ची के कान में एक नन्ना सा गोशवारा है जिसपे किसी ने हाथ नहीं डाला। क्यों? एक तो वो गोशवारा बहुत ही कम कीमत का, जब कोई भी जालिम खरीद जाता वो अपने दोनों हाथों से अपना गोशवारा छुपा लेती और कहती है जो चाहे बाकी सामान लूट के लेगा, ये गोशवारा ईद पर मेरे बाबा ने तोहफे में दिया, बाबा तो मेरे पास न रहा, बाबा की निशानी मेरे पास रहने दे। नन्नी सकीना की फरियाद जालिमों को भी रहम आ जाता, और कीमत भी इतनी कम है। मैंने सोचा खुली खुली, मैंने सोचा मुझे देर हो गई तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं, और कोई जेवर नहीं मिल रहा तो इसी गोशवारे को छीनो। मैंने आगे बढ़ के गोशवारे पे हाथ रखा, बच्ची ने दोनों हाथों से अपने कान छुपा के गोशवारे को बचाना था, मुझे देर हो रही है, यहां इतना वक्त लगा दिया कहीं आगे बाकी सामान ना चला जाए। मैंने गोशवारा खोलने का भी इंतजार ना किया, इस तरह गोशवारे पे हाथ डाल के उसे खींचा कि बच्ची के कान दोनों कान कट गए, गोशवारा मेरे हाथ में आया, खून का फवारा बुलंद हुआ। नन्नी सकीरा के कानों से इस तरह गोशवारा छीना गया कि दोनों कान कट गए। मैं आगे बढ़ा और कुछ सामान बचा? देखा नहीं, बस सिर्फ एक खेमे में एक बीमार लेटा है, उसके नीचे का बिस्तर किसी ने बीमार का एहतराम करते हुए नहीं छीना। बीमार खशी के आलम में उसका बिस्तर छीनने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं तेजी से आगे बढ़ा और इतनी जल्दी वो बिस्तर खींचा कि वो बीमार बिस्तर से मुंह के फल जमीन करबला से टकरा गया। अज़ादारों, ये उस वक्त के इमाम जमाना के मसाइल बयान हो रहे हैं, ये उस वक्त के इमाम वक्त के मसाइल बयान हो रहे हैं। मैं वो हूं जिसने सज्जा के नीचे से बिस्तर खींचा, और खाली बिस्तर नहीं खींचा, इतनी जल्दी मुझे थी कि इस तरह बिस्तर खींचा कि वो बीमार मुंह के बल जमीन करबला से टकरा गए। बस आपकी जहमत तमाम। कहा अब मैं और आगे बढ़ा, अब कुछ नहीं बचा, अब कोई चीज नहीं बची। हाँ, सिर्फ एक चीज बची नजर आ रही। करबला में हरमुला ने भी तीन तीर बताए थे, उसका तीसरा तीर याद कीजिए। उमर साहब कहता है हरमुला हुसैन का सारा जिस्म तीरों से छलनी, सर पे पत्थर तक मारे गए,
सीने में नेजे और बर्चियां बेबस की गई, मगर हुसैन सुलझना से हिल नहीं रहे हैं। और कितना ही मेरी फौज हुसैन की दुश्मन, जब तक हुसैन सुलझना पे है कोई सिपाही करीब नहीं जाएगा। हरमला सिर्फ एक काम मेरा कर दे, हुसैन को सुलझना से जमीन करबला पे गिरा दो। हरमला कहता है मैंने तीन भाल का तीसरा तीर निकाला, पहला तो मशके अब्बास में लग चुका, दूसरा असगर के गले में लग चुका, तीसरा तीर निकाला। इस तरह हुसैन की हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला, मेरा आका सुलझना से जमीन करबला पे गिरा। वही जुमला खूनी ने दोहरा दिया। मैं कैसे पढ़ूं, आप कैसे सुनेंगे? खूनी कहता है मैंने देखा अब कुछ नहीं बचा, मगर हाँ एक चादर अभी बची हुई, और ये चादर वो है जो सैनब कुबरा के सर पर है। करबला के बड़े से बड़े साली में भी हिम्मत नहीं हो रही है कि चादर सैनब पे हाथ डाले। जैसे वहां बड़े से बड़ा सालिम हुसैन के करीब नहीं आ रहा जब तक हुसैन सुलझना पर। अरे तो पता है ये मोहम्मद की नवासी है, ये अली और फातिमा की बेटी है। लैला की चादर छिन गई, कुलसून की चादर छिन गई, रबाब की चादर छिन गई, फरवा की चादर छिन गई, फातिमा कुबरा की चादर छिन गई, फिस्सा की चादर छिन गई, सैनब की चादर पे हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं। मैंने देखा सिर्फ एक चादर आखिरी बची हुई। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने चादर सैनब पे हाथ डाला, बस इधर चादर सैनब पे हाथ डालना, उधर सैनब ने दोनों हाथों से अपनी चादर को सख्ती से थामा। खूनी फौज का सिपाही, फौज में जवान भर्ती होते, 35 साल का होगा, जैनब 55 बरस की ज़ईफ़ा है। ये मर्द है वो औरत है, ये जवान है वो बूढ़ी है, और कलेजे पे इतना दाग लिए हुए है, माजाया मारा गया, अकबर मारा गया, असगर मारा गया, मगर फातह खैबर की बेटी है, अब्बास की बहन है। खूनी कहता है मैंने देखा जैनब ने दोनों हाथों से चादर को थामा, मैं चादर खींच रहा हूं, हैदर कर्रार की बेटी चादर रोक रही, मैं सारी ताकत लगा के थक गया, जैनब ने चादर न छोड़ी। मैंने सोचा मैं नुकसान क्यों करूं, बस अजादारों मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मेरे हाथ में कोड़ा था, मैंने कोड़ा उठाया, जैनब के चेहरे पे कोड़ा मारा, जैनब के चेहरे की खाल फटी, खून बुलंद हुआ, जैनब के हाथ जरा ढीले पड़े, मैंने चादर जैनब को खींच के उतारा। जैनब ने फुरात को देखा, अब्बास जरा आके देख ले, तेरी बहन के कोड़े मारे जा रहे हैं, तेरी बहन की चादर छीनी जा रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अला वलानतुल्लाह अला आदाएही मजमईन। आजादारों आपने ये मसाइब सुन लिए तो आपके दिल से इस वक्त सही मानों में आवाज निकलना चाहिए, ऐ करबला का इंतकाम लेने वाले, ऐ चादर ज़ैनब छीने जाने का इंतकाम लेने वाले, ऐ मेरे जमाने के इमाम, जब मोमिनों की हालत है कि तड़पे जा रहे हैं तो ये तो तेरी दादी का तस्किरा हो रहा है। ऐ मेरे इमाम जमाना, आपने किस तरह अपनी दादी के ये मसाइब सुने, आपको वास्ता इन्हीं मसाइब का, जल्द अज जल्द ज़ुहूर फरमाइए, इन तमाम जालिमों और कातिलों से इंतकाम लीजिए मौला। मगर ऐसा ना हो कि आपका ज़ुहूर हो और हम आपके साथी ना बन पाए, तो मौला गैबत में हमें अपना ईमान बचाने, आपकी मारिफत हासिल करने और आपकी फौज की तैयारी की तौफीक अता फरमाई, और अगर कहीं कमी हो जाए तो बाद ज़ुहूर हम गुनाहगारों को बुलाकर अपनी फौज में जरूर शामिल कराइए। इमाम जमाना, आपको आपकी दादी ज़ैनब का वास्ता, जिन्हें आप ये कह के सलाम कर रहे, मेरा सलाम मेरी दादी ज़ैनब को, जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं और वो जमीन पे गिर के उनका सर अलग जख्मी हो रहा, आपका वास्ता आपकी दादी का। दुनिया भर के साहिबान ईमान को,
उन पर जुल्म करने वाले जालिमों को निस्व नाबूद कीजिए। खुदा बंदा तो जब आस्था इमाम जमाना से लेके उस रसूल खुदा तक का, तो मुझे यकीन है कि आप नहीं रोए जितना फातिमा रोई अपनी बेटी के मसाइल से, मुझे यकीन है कि आप नहीं रोए जितना रोए रसूल खुदा अपनी नवासी के मसाइल से। खुदा बंदा तुझे इन तमाम मासूमीन का वास्ता, दुनिया भर के साहिबान ईमान को अपने हिफ्ज़ ईमान में फरमा, जो लोग आज की मजलिस में आए हैं उनके इन आंसुओं का और क्रिया का वास्ता, इनकी सारी दुआएं कबूल फरमा। ये अभी सफे अज़ा से भी ना उठे और इनकी सारी मुरादें और तमन्नाएं इन तक पहुंचा दे। खुदा बंदा सफे अज़ा पर बैठने वाले मोमिनीन और मोमिना, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। बानियान मजलिस खुसूसन मोहतरम तकी जावा साहब और जावा खानदान जिसकी जानिब से ये मजलिस, खुदा बंदा उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें अता फरमा। हम सबको गमे हुसैन के सिवा कोई गम न दे, मगर गमे हुसैन मरते दम तक कयामत में, बल्कि जन्नत में भी हमें गमे हुसैन के साथ दाखिल फरमा। हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, जो रोजगार की परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार हैं खास तौर पर एक बरादर मोहम्मद बख्श, इन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। जो बेऔलाद हैं वास्ता तुझे रबाब के असगर का, उन्हें साहिब औलादे नरीना फरमा। खुदा बंदा अब में से हर एक को हज और उमरा, लेकिन खास तौर पर करबला और करबला वालों की सारी जियारतों की जल्द अज जल्द तौफीक अता फरमा। और करबला की जियारत का वास्ता हमें अपने इमाम जमाना के चेहरे की जियारत का भी शरफ अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।